सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आज का मेरे इस न्यू वीडियो पर। आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। सो चलिए दिखाते हैं आज का जो सोफ़ा हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सो वीडियो पर बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा ज़रूर। सो थैंक यू। सब तो फ्रेंड मेरे हम लोग का सोफ़ा का कुछ इस तरह का लुक होने वाला है। सो वीडियो पर बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। सो फ्रेंड सबसे पहले हम लोग इस तरह से सोफ़ा का कुछ माप ले ले रहे हैं कि सोफ़ा कुछ टेढ़ा बेकार देखने में ख़राब ना लगे। सो देखिए, तो सबसे पहले फ्रेंड हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ कील मारते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे कील क्यों मार रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग है जो वो स्प्रिंग का जो नेट होता है वो स्प्रिंग का नेट बिछाएंगे, जैसे ए वाला। यहाँ पे 10 मीटर का यहाँ पे स्प्रिंग है, हम लोग यहाँ पे पहले इसको मार लेते हैं, मार के यहाँ पे फिट कर लेंगे। फिट करने के बाद में यहाँ पे हम लोग इसका माप का ही साइज़ का जो है कितना माप हो रहा है यहाँ पे हम लोग काउंट कर लेंगे, वो हिसाब से हम लोग यहाँ पे काट काट के पीस निकाल लेंगे और इस तरह का से ही जो पूरा सोफ़ा में बैठाएंगे हम लोग। सो यहाँ पे हम लोग माप ले ले रहे हैं। सो फ्रेंड वॉइस का अगर कुछ प्रॉब्लम है तो माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत माइक है नहीं, डायरेक्ट वॉइस दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे। सो यहाँ पे सब काट काट के पीस को निकाल ले रहे हैं हम लोग। अब इसको फिटिंग करेंगे यहाँ पे। इससे क्या होता है, जो हम लोग जब बैठने में जो स्प्रिंग करता है उसमें सपोर्ट करता है, और इससे सोफ़ा का जो मजबूती भी ज़्यादा कुछ बना रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग जाके फिटिंग करके लॉक कर लेते हैं यहाँ पे। सो फ्रेंड वीडियो कुछ बहुत ही लंबा था, इसलिए हम लोग स्पीड मोशन में देखे इसको थोड़ा फास्ट कर दिया, क्योंकि जल्दी ख़त्म हो वीडियो, क्योंकि आप लोग का भी टाइम बचे। सो देखिए यहाँ पे एक एक टांड को हम लोग बैठा रहे हैं, बहुत ये बैठाना थोड़ा बहुत हार्डली है फ्रेंड। और आप लोग का भी कोई भी सोफ़ा चाहिए, 2 सीटर हो या 3 सीटर ही हो या 5 सीटर हो या उसका वाला अलावा जो दीवान सोफ़ा सेट है वो भी चाहिए, तो आप हम लोगों को यहाँ पे कमेंट में बता सकते हैं। आप लोग कांटेक्ट नंबर दे दीजिएगा, हम लोग कांटेक्ट का जरूर करेंगे। सो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग चलो बनाने की कोशिश रेडिंग करते हैं। इसका पीछे जो है प्लाईवुड निकाल के हम लोग इसमें सिर्फ इस तरह का सा हम लोग जो बेल्ट बैठाएंगे, वो पीछे जो दिखाई दे रहा है वैसा वाला। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बैठा कर दिखाते हैं, यहाँ पे एक एक करके सारे के सारे हम लोग यहाँ पे लाइन से बैठा लेंगे। थोड़ा वीडियो थोड़ा फास्ट मोशन में दिखा रहे हैं, क्योंकि नहीं तो बहुत टाइम जाएगा आप लोग का भी। सो देखिए यहाँ पे इस लाइन को हम लोग कंप्लीट कर चुका है यहाँ पे, तो इसका अंदर से और एक हम लोग 3 लेयर देंगे। सो ये एक हम लोग का हो चुका है, इसे कटिंग कर देते हैं यहाँ से, और ये दूसरा भी हो गया, कटिंग कर देते हैं और एक लास्ट बैठा देते हैं यहाँ पे। तो हम लोग का 3 हो गया है। सेम ये बोरी देख रहे हैं, ये बोरी जो है लास्ट में हम लोग बैठाएंगे, इसका पहले सेम 3 लेयर और जो है हम लोग स्प्रिंग में भी बैठाएंगे। सो हम लोग 1 लेयर, 2 लेयर और एक लास्ट लेयर बैठा देते हैं यहाँ पे, तो इसका काम हो गया। इसका ऊपर से फिर से हम लोग जो बोरी आपको दिखाया था सॉरी वो तो बोरी होता नहीं है, लेकिन आप लोग क्या बोलते हैं मालूम नहीं, लेकिन उसको देने से जो क्या होता है कुछ डस्ट जो नीचे ही नहीं गिरता है, वो इसका ऊपर ही मतलब रुक जाता है यहाँ पे। तो चलिए इसको यहाँ पे हम लोग फिट कर लेते हैं। और जो हम लोग जो नेट दिए थे वो नेट ही हम नेट जो बेल्ट जो दिए थे वहाँ पे बेल्ट ही बहुत सपोर्ट करता है हम लोगों को, क्योंकि उस बेल्ट में हम लोग जो क्लिप जो है पिन जो स्टेपलर का पिन जो है वही पिन है, लेकिन ये बड़ा साइज का है और जो कार्टन में या कोई हुड में मारते हैं हम लोग, तो उसको ही हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो चलिए इसको नीचे में और साइड में दोनों में लगा देते हैं यहाँ पे। चलिए इसका भी काम हो गया, यहाँ पे पिन पूरा मारते हैं यहाँ पे जो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे जो बैठ जाए। तो अभी चलिए साइड बार जो है साइड बार का थोड़ा मैन्युफैक्चर करते हैं। तो फ्रेंड अभी यहाँ से होता है स्टार्ट पॉन्स बैठाने का, जो पॉन्स जो है मतलब बैठने में जो थोड़ा मतलब फील हो मतलब वही पॉन्स अभी हम लोग यूज़ करेंगे, जो इसको आप लोग क्या पॉन्स बोलते हैं, प्लास्टिक और पॉन्स का दोनों मिक्स ही होता है यहाँ पे। तो ये मार्केट में इजी तरीके से अवेलेबल मिल जाता है कोई भी मार्केट में जाने से। तो चलिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं, जो बैठने में कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट लगे, तो दोनों तरफ से हम लोग गम से परफेक्टली इसको बैठा लेते हैं। सो देखिए यहाँ बैठाने के बाद साइड में पूरा जो सोफा पोन से हम लोग कवर करेंगे सोफ़ा को, देखने में जो काफ़ी औसम लगे। सो जितना साइड है पूरा साइड से इसको जो मतलब फोन से कवर करेंगे, और पीछे एक साइड में इसका सिर्फ क्या है फैब्रिक आता है, वो फैब्रिक बिठाएंगे यहाँ पे। आप लोग इस वीडियो पे बने रहिए, लास्ट तक आपको मालूम पड़ जाएगा।
तो चलिए इसको हम लोग इसका सेफ से काट लेते हैं पहले, नहीं तो ये अंदर घुसेगा नहीं। तो देखिए यहाँ पे इसको जो मोटा वाला जो फोन से वो भी डाल देते हैं यहाँ पे। ये जो मशीन है फ्रेंड, ये गम मशीन है, इसमें सिर्फ गम है, मतलब कोई भी ये मतलब कुछ क्वालिटी का गम मिलता है। ये जो हम लोग कुछ कागज़ वगज में लगाते हैं ओला नहीं है, इसका नाम है हीटेक्स है, आप लोग सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो इसका सेप से हम लोग काट लेते हैं इसको, कि जो कटा हुआ है वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसका ऊपर जो है कुशन आएगा, कुशन मतलब कि फैब्रिक आएगा, सॉरी फ्रेंड। इसको अच्छा फिनिशिंग दे देते हैं पहले। तो देखिए लगभग हम लोग का सोफ़ा तैयार हो चुका है, अभी इसका ऊपर सिर्फ फैब्रिक बैठाना बाकी है। ये फिर से गम डाले हैं ऊपर में, तो फ्रेंड देखने में कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हम लोग भी चैनल में बने रहिएगा। सो आप देखिए क्या लुक है इसका। अभी ये जो फ्रेंड ये फैब्रिक है नहीं, ये मतलब एक तरह का पेपर है, मतलब पोंच काफी है, पोंच नहीं मतलब वो क्या इसको बोलते हैं ना, रुई बोलते हैं, रुई काफी पेपर है। इसका ऊपर में पूरा देंगे, इसका ऊपर में बैठेगा आपका फैब्रिक, आपका लोग है ना कुछ का भी जो कुशन का चाहिए कि कोई किसी का वो लेदर का चाहिए तो इसका ऊपर ही बैठता है। तो हम लोग कुशन का ही जो फैब्रिक जो है वो नॉर्मल फैब्रिक ही दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है यही है जो सोफ़ा का मेन लुक फैब्रिक है। तो देखिए ये लगभग हो ही चुका है, अभी यहाँ पे हम लोग फैब्रिक को सबसे पहले यहाँ पे बैठा लेते हैं अच्छे तरीके से। ये फैब्रिक जो है लेटेस्ट फैब्रिक है फ्रेंड, आप यहाँ पे फिंगर जैसे डालोगे एक मतलब आधा तरफ से उठाओगे तो मतलब इसका कलर दूसरा हो जाएगा, इस साइड में डालोगे तो उसका कलर दूसरा हो जाएगा। ये लेटेस्ट फैब्रिक है फ्रेंड, इसका दाम भी पड़ता है काफ़ी। चलिए इसको आप पहले अच्छा से बैठा लेते हैं यहाँ पे। सो फ्रेंड आप लोग देख ही पा रहे हो यहाँ पे लगभग हम लोग का सोफ़ा जो है बनकर तैयार हो ही चुका है, और भी थोड़ा बहुत मतलब इसका फिनिशिंग जो है बाकी है, तो वो भी हम लोग कर दे रहे हैं, अभी बने रहिए वीडियो पे। सो फ्रेंड आखिर में इसका लुक जो आप लोग का देखने के लिए आप वीडियो पे बने हैं, आखिर में उसका लुक आने वाला ही है। अभी देखिए वीडियो अभी कंप्लीट होने वाला है और सोफ़ा का काम भी कंप्लीट होने वाला है, टोटल 3 सीटर है। सो आप लोग देखिएगा ये साइड बार, पहले साइड बार में फैब्रिक लगा लेते हैं। साइड बार में फैब्रिक लगाने के बाद इसको जो सेंटर जो पीछे के जो बार होता है वो बार में भी इसका फैब्रिक लगाना अभी बाकी है। सो पहले गम से इसको अच्छे से चिपका लेते हैं पहले। सो फ्रेंड उसके पहले एक बात बोलना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मैं वीडियो काम का टाइम में बोल नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरा माइक नहीं है, आप जो मेरा साउंड है साउंड में मतलब इसमें आएगा नहीं क्योंकि माइक नहीं है। अगर आपका प्यार बना रहेगा तो माइक भी ले लूँगा। सो इसलिए फ्रेंड मैं वीडियो बनाने के बाद में एक्स्ट्रा से अपना वॉइस डालता हूँ, एड करता हूँ, सो इसलिए मतलब सही से मतलब वॉइस मिलता नहीं है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सो फ्रेंड देखिए इसका पहले मैं नीचे का जो लेयर है सो कवर करेंगे, इसका ऊपर में सिंपल सा एक कुशन डाल देंगे, कुशन मतलब फैब्रिक डाल देंगे सिंपल सा, क्योंकि नीचे कुछ होता नहीं है, नीचे से मतलब सो मतलब देखने में लुक जो है अच्छा के लिए सिर्फ कवर डालते हैं हम लोग, और कुछ भी नहीं, इसका अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो देखिए सोफ़ा का कुछ इस तरह का सा लुक आ गया। देखिए आप लोग स्टार्टिंग में जो देखे थे, आप देखोगे जाकर देखिएगा स्टार्टिंग में क्या था और अभी का सोफ़ा का लुक जो है देखिए क्या हुआ है। सो इसका काम अभी थोड़ा बहुत बाकी है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो इसका पहले जो नीचे का जो लुक है उसको मैं कवर करते हैं हम लोग, नहीं तो देखने में कुछ गंदा लगेगा। और सो फ्रेंड सबसे बात आपको एक बात बताना चाहता हूँ मैं, ये सोफ़ा का जो मतलब क्वालिटी है काफ़ी हैवी क्वालिटी है, आपका कम मैक्सिमम आपको 10 ईयर्स 15 ईयर्स तो आग बन करके निकल जाएगा आपका। तो चलिए अभी इसका नीचे का जो काम जो है फिनिशिंग इसको देख के आपको सोफ़ा का पूरा वीडियो आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले फ्रेंड यहाँ पे इसका प्लाईबोर्ड डाल देते हैं नीचे में, प्लाईबोर्ड डालने के बाद इसके में हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर मारते हैं, यहाँ पे मारने के बाद इसको अच्छा तरह से लॉक करते हैं यहाँ पे, मारने के बाद में जो ये कवर को इसको फोल्ड करके इसमें कवर कर देंगे। चलिए यहाँ गम लगा देते हैं, गम लगाने के बाद इसका जो सिंपल नॉर्मल जो फैब्रिक होता है इसको डाल के कवर कर देते हैं इसको हम। तो चलिए इसका भी डालना हो ही गया है लगभग, इसको काट देते हैं यहाँ से। जो फैब्रिक है उसका ऊपर में जो इसका कलरिंग का फैब्रिक डाल देते हैं, जो कलर में कुछ अलग अलग कलर ना दिखे, तो इसको यहाँ से हम लोग सील कर देते हैं।
कि दोनों मतलब जितना भी जॉइन है एक साथ में बना रहे, देखने में अलग अलग जो इसका पार्ट्स वार्ट्स दिखाई ना दे। सो इसको यहाँ से सील कर देते हैं सुई और लाइलॉन धागा से। लाइलॉन धागा इसलिए यूज़ करते हैं फ्रेंड क्योंकि जो इसका जो सिलाई हो वो मजबूत से बना रहे, मतलब जल्दी सरे ना। सो यहाँ से काट कूट के निकाल देते हैं सब जो पीस पीस है यहाँ पे इसको। सो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना भूलिएगा नहीं, और अभी तक अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ अभी ही जल्द से जल्द कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर बीट मार देते हैं और लाइन से बीट बिठा देंगे यहाँ पे। तो चलिए उससे काम तो हो गया, अभी हम लोग इसको नीचे जो वाइट कलर का एक बेडशीट लगा डाल देते हैं यहाँ पे। डालने के बाद इसका नीचे का जो फिनिशिंग है ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी इसका बूस्ट भी लगा चुके हैं और इसका नीचे का फिनिशिंग जो फिनिशिंग भी है वो भी दे चुके हैं। देखिए अभी नीचे का फिनिशिंग देखिए, ये लास्ट फिनिशिंग है, इसका ऊपर कोई फिनिशिंग नहीं है फ्रेंड। तो चलिए सोफ़ा नीचे का हो गया, अभी इसका बाकी है कुशन का। जो सोफ़ा में जो कुशन होता है वो कुशन पहले से हम लोग रेडी हुआ रखा था यहाँ पे, तो अभी उसको भर के यहाँ पे हम लोग चेन मार देते हैं यहाँ पे। तो चलिए इसका भी वो काम हो गया है, अभी हम आप लोगों को डायरेक्ट सोफ़ा दिखाते हैं सोफ़ा बन के कैसे तैयार हो चुका है। सोफ़ा यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, सोफ़ा जो है बन के पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और आप लोगों को सोफ़ा कैसे लग रहा है ज़रूर बताना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं जल्द ही और एक दूसरा वीडियो सोफ़ा का जो वीडियो है वो लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। सो थैंक यू फ्रेंड, अगर वॉइस में कुछ गड़बड़ी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू।